नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पुरा। दोस्तों, 21 जून को इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर आज से हम 1 जून से 30 जून तक आपको 30 दिनों की एक योगा सीरीज बताएंगे। दोस्तों, यह अभ्यास बिगनर्स के लिए बहुत लाभकारी है। जो लोग योग में बिगनर्स हैं और कठिन योगा अभ्यास नहीं कर सकते हैं, वह सबसे पहले अपनी योग की शुरुआत इन अभ्यासों से करें। आज हम आपको डे वन में गठिया निरोधक अभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों को सूक्ष्म अभ्यास के नाम से भी जाना जाता है। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाते हैं और यह अभ्यास हमारे शरीर के जोड़ जोड़ों में दर्द, अकड़न और शरीर के कड़ापन को दूर करते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। ऐसे ही आपने कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठ जाते हैं और सबसे पहले अपनी पैरों की उंगलियों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे की तरफ करते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी पैरों की उंगलियों को आगे करना है। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपने सबसे पहले अपनी पैरों की उंगलियों को ऐसे आगे पीछे करते हैं। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे अभ्यास हैं। और फिर इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पंजों को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं, और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने पंजों को ऐसे आगे की तरफ करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। और फिर इसके बाद ऐसे अपने पंजों को 5 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाते हैं, फिर एंटी क्लॉकवाइज। और फिर ऐसे अपने घुटनों को 5 से 6 बार अप डाउन कीजिए। और फिर इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं। और फिर ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें और फिर ऐसे नीचे। श्वास अंदर भरते हुए सीधे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार करते हैं। फिर दूसरे पैर से। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटने के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और ऐसे अपने पैर को जमीन से थोड़ा सा ऊपर को उठाते हैं और फिर ऐसे एक बड़ा सा राउंड बनाने की कोशिश करें, जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं। ऐसे 5 टाइम क्लॉकवाइज घुमाइए, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। नीचे, फिर दूसरे पैर से। फिर सीधे। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने तलवों के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें और ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश कीजिए। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। ऐसे 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। फिर दूसरे पैर से। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर 10 से 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। दोस्तों, इन अभ्यासों को करने से जिन लोगों को गठिया अर्थराइटिस की शिकायत होती है, यूरिक एसिड का बढ़ना जैसी शिकायत होती है, वह शिकायत दूर होती है। ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप कम से कम 4 से 5 बार कीजिए। इसके बाद इस अभ्यास को अब हम दोनों पैरों से एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से रख लें और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा करते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को जितना सीधा कर सकते हैं सीधा करें।
और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। अपने शरीर का समस्त भार अपने हिप्स पर रखते हुए इस अभ्यास को करना है। और फिर ऐसे नीचे। इसके बाद हम करेंगे मेरुदंड को दाएं बाएं मोड़ना और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं और अपने राइट हाथ से ऐसे अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से। और फिर तीव्रता से ऐसे ही कम से कम 15 से 20 बार लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आपने करना है। हम करेंगे अर्ध तितली आसन। अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाईज के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए अपने एक हाथ को ऐसे घुटने के पास ऐसे रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपनी छाती पर लगाने की कोशिश करें। आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को जमीन पर स्पर्श कराइए। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही कम से कम 5 से 6 बार कीजिए। फिर दूसरे पैर से हम करेंगे तितली आसन। आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लेते हैं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे अपने घुटनों को ऊपर करते हैं और फिर नीचे ऐसे अपने घुटनों को जमीन पर स्पर्श कराते हैं। ऐसे ही इस बटरफ्लाई पोज को आप कम से कम 2 से 5 मिनट नियमित कीजिए। यह अभ्यास हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ इस अभ्यास को करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं। यह अभ्यास हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और जब भी आपके शरीर में दर्द थकान या पैरों में दर्द थकान जैसी स्थिति उत्पन्न हो, आप इस बटरफ्लाई पोज को एक आरामदायक स्थिति में किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं।